अभी केस की तारीख नजदीक आ रही है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसे ट्रेनिंग दें, और हमारे पास अगर वक्त होता भी ना तब भी ये कुछ नहीं सीख पाती, क्योंकि सीखने के लिए दिमाग चाहिए, जो इस लड़की को भगवान ने दिया ही नहीं। ठीके, इतनी जल्दी तुम क्यों हार मान जाते हो? बी पॉजिटिव यार, ये सब सीखते हुए अभी उसे एक ही दिन तो हुआ है, हम लगातार लगे रहेंगे तो सीख जाएगी। और एक बात मत भूलो, वो संध्या जैसी दिखती है, हमने आधी जंग तो वही जीत ली। आधी जंग जीतने से कुछ हासिल नहीं होने वाला भाई साहब, ये लड़की सिर्फ संध्या की तरह दिखती है, और जब हम इसको, इस गवार को कोर्ट में संध्या बना के पेश करेंगे और ये अपना मुंह खोलेगी ना, इसकी झोपड़पट्टी वाली सारी असलियत बाहर आ जाएगी। हाँ, उसका भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन पंकज, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। मैं डीके की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुमने देखा था ना, युवराज अब तक हॉस्पिटल में कितना परेशान है, उसके ऊपर से पुलिस को नीरज का वो वॉलेट मिल गया है, वो भी उसी जंगल में। एक्सक्यूज मी वृंदा जी, जी वो मैं भी यहीं पर सोने वाली हूँ। सुनिए, आप सो रही हैं जी? वो दरअसल क्या है ना कि मुझे भी यहीं पर सोना है, तो आप अगर इस कदर फैल कर ना सोए तो, है ना? आप उनसे बात कर रही है? हाँ जी। देख, मैं तेरे को एक बात बोलती है, आप उनसे हिसाब की भाषा में आप भी जीवी नहीं करने का, ठीक है? चल अभी सो जा, सोने का टाइम खोटी मत कर पा तुम्हें। तो क्या आपको, क्या तू इस तरह अगर बेड पर फैलकर सोएगी, मैं क्या तुम्हारी गोदी में सोऊंगी? ए! अपुन इस बेड पर अकेली सोएगी, तेरे को जिधर जाके सोना है ना तू सो जा। बात करती है। और सुन, ये पैसा अपुन ने गिन के रखा है, तूने रात को चोरी करने का कोशिश किया ना, यहीं कान के नीचे रख के देगी तेरे को मैं, समझी क्या? जाने इस मुसीबत को कहां से उठा कर ले आए हैं, और मेरे ही कमरे में छोड़ना था इसे। सरला आंटी, आपने तो मेरी मदद की थी, फिर भी मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ, हे भगवान मुझे माफ कर देना। लेकिन अगर सबको वृंदा पर यकीन दिलाना है तो मुझे सबके साथ वृंदा जैसा ही बर्ताव करना होगा। वकील साहब, मैं आपसे जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करिए ना आप, मुझे सारे के सारे कागजात बिल्कुल तैयार चाहिए। संध्या की बहनों का और उस इंस्पेक्टर भोसले का कोई भरोसा नहीं है, उसके बारे में मैं आपसे वहीं आके बात करता हूं। सरला, क्या बात है, लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो। क्या खाक सो रही मैं, वो लड़की पूरा बेड घेर कर सोई हुई थी, मुझे वहां सोफे पर बैठे बैठे सोना पड़ा। वही नहीं सर, क्या खाक नींद आती मुझे ऐसे में। आई एम रियली सॉरी सरला, लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें सहन करना ही होगा, जब तक वो तुम्हारे कमरे में है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम उसे संध्या की तरह बात करना सिखा रही हो ना? आपको उम्मीद है कि वो लड़की कुछ सीखेगी? हालांकि पंकज जी सुबह से जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो सीखने वालों में से नहीं, सिखाने वालों में से है बहन साहब। आपको यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लीजिए। वृंदा, वृंदा, ये जो तुम भाषा बोल रही हो ना, अपुन विपुन, ये अच्छी भाषा नहीं है, बहुत ही गंदी भाषा है। जैसे हम बोलते हैं ना, वैसी भाषा बोलो। देखो, मैं जो बोलूंगा ना उसे पहले बराबर सुनो, समझो और फिर बोलो। हाँ,
ये बोलो कि जज साहब मैं संध्या हूं, युवराज की पत्नी, मैं जिंदा हूं तो मेरे पति युवराज पर मेरी हत्या का इल्जाम आप लोग कैसे लगा सकते हैं? बस इतना ही। हाँ अब बीच में तेरे को बोल के दिखाती है। जज साहब अपुन संध्या है, ये युवराज है, अपुन इसकी बीवी है। जब अपुन जिंदा है तो काय को खाली फोकट मेरा मरद को मेरा इच मर्डर के लिए तुम लोग। ओ शट अप। ए तू शट अप। और अपुन को ये आंख भी नहीं दिखाने का, दोनों आंख निकाल के ना यही चकोटी खेलेगी, समझा क्या? ओके ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये भाषा जो तुम बोल रही हो ना अपुन बेपुन, ये नहीं है अच्छी भाषा। हमारे जैसी भाषा बोलो ना। नहीं होता अपुन से, अपुन 1-2 का 4 हो रहे लिए। क्या 1-2 का 4 मतलब? 1-2 का 4 बोले तो मैं कल्टिस जा रही है मैं। अरे अरे अच्छा सॉरी, अगर मैं तुम्हें थोड़े पैसे और दे दूं तो अपुन कोशिश करेगी, लेकिन गारंटी नहीं है। ओके ये लो, ये कुछ पैसे कम लग रहे हैं। पर फिलहाल तो रख लो इसे, बाद में कुछ और दे दूंगा। ठीक है फिलहाल मैं रख लेती है, मैं कोशिश करेगी लेकिन गारंटी नहीं। पहले ही बोलते मैं, फालतू बाद में मेरे साथ पर नहीं बैठने का। अगर दोबारा इसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को उल्टा लटका दूंगा। कड़ी नजर रखो इस पर, डरा निगाह था। अगर दोबारा सुसाइड करने का दिल करे तो मुझे बताना, गोली मार दूंगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। युवराज। अरे आइए आइए मदर इंडिया, अभी मिस्टर इंडिया आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हो बेटा? अरे एकदम फर्स्ट क्लास फिट। अभी डॉक्टर साहब नहीं बोल, कल आपका बेटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डॉक्टर? या ही इज ऑल राइट नाउ। थैंक यू। तो कल मिस्टर युवराज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे और उसके बाद हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद हम इन्हें इनके ससुराल भेजेंगे, यानी जेल भेजेंगे, क्योंकि अब इनकी जमानत भी नहीं हो सकती।